जनपद में मेडिकल कॉलेज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिद्धार्थनगर में बटन दबाकर वर्चुअल लोकार्पण किया गया और इस अवसर पर सांसद राजवीर सिंह राजू भैया और उनके सुपुत्र और व्यक्ति चिकित्सा शिक्षा एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि एटा के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के रूप में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है और इसका हम एटा की जनता की तरफ से उन्हें धन्यवाद प्रेषित करते हैं। सांसद राजू भैया ने कहा कि जिस से 4.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कार्य किए हैं वह अन्य सरकारें कई वर्षों में भी नहीं कर पाई हैं। वहीं एटा में भी इस सरकार में विकास के नए आयाम गढ़े गए हैं। वहीं डीएम अंकित अग्रवाल ने कहा कि एटा मेडिकल कॉलेज के निर्माण से जहां एटा जनपद के लोगों को तो स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी ही, साथ ही फिरोजाबाद, कासगंज, मैनपुरी, हाथरस जैसे जनपदों के लोग भी यहां स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। आज यहाँ पे एटा जनपद में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी के नाम पे मेडिकल कॉलेज का शुभारंभ हुआ है। आज लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सिद्धार्थनगर से किया गया है। इससे यहाँ के जनपद वासियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा। हमारे जनपद के लगभग 18 लाख आबादी है और आसपास के जो जनपद हैं जैसे फरुखाबाद, कासगंज, मैनपुरी, हाथरस, इन सब जनपदों को भी फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पर अलग अलग तरह के स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन होंगे। यहाँ पे अभी वर्तमान में 100 से अधिक डॉक्टर आ चुके हैं। हम लोग धीरे धीरे एक एक फैकल्टी का ऑपरेशन थिएटर और चीज़ें रेडी कर रहे हैं। जैसे कि आप अवगत हैं कि मैटरनिटी एंड चाइल्ड हॉस्पिटल जो महिला चिकित्सालय में बना है वो पूरी तरह से फंक्शनल हो गया है। वहाँ पर अभी जनपद में जो डेंगू के मरीज हैं, बुखार के मरीज हैं, उनको वहाँ पर भर्ती करके तत्काल इलाज दिया जा रहा है और काफ़ी लोग, काफ़ी बड़ी संख्या में मरीजों को फायदा मिला है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।